गाइस वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू द डर्माको 5% नायसिनेमाइड फेस क्रीम फॉर एक्ने मार्क्स, जो कि इस टाइप के आउटर बॉक्स में आती है और ये स्लीक सीज की इनर पैकेजिंग है। इसमें आपको 50 ग्राम की क्वांटिटी 599 रुपीज में मिलती है। 2 साल इसके साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलती है और ये जो प्रोडक्ट है वो फ्रेग्रेंस फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। इसमें किसी टाइप का कोई हार्मफुल केमिकल जैसे कि पैराबेन SLS यूज नहीं किया गया है। इस प्रोडक्ट को मैं पिछले 10 दिन से यूज कर रही हूँ और रिव्यू शुरू करने से पहले ही मैं इस प्रोडक्ट को आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है तो। इसमें आपको SPF 20 एंड PA++ का प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। ये जो प्रोटेक्शन है ये इनफ नहीं होगा अगर आप मॉर्निंग में इस क्रीम को बिना किसी सनस्क्रीन के यूज करेंगे तो। अगर आप बाहर जाते हैं तो SPF 20 इनफ नहीं होता है, लेकिन अगर आप घर में रहते हैं तो ये जो मॉइस्चराइजर है ये आपको हर तरह की यूवी रेज से बचाने के लिए इनफ होगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है। इसमें किसी टाइप की कोई फ्रेग्रेंस यूज नहीं की गई है, किसी टाइप का कोई कलर यूज नहीं किया गया है। ये आपको देखने में भले ही थिक लगे लेकिन ये बहुत जल्दी आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके एप्लीकेशन के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसे यूज करने के बाद इमीडिएटली आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिंगिंग सेंसेशन होती है। एटलीस्ट मेरे साथ ये हुआ है, मुझे मेरे फोरहेड पे और इस एरिया पे कम से कम भी 1 मिनट तक वो बर्निंग सेंसेशन होती है। तो इनिशियली तो मुझे थोड़ा डर भी लगा कि क्या हो रहा है मेरी स्किन के साथ, लेकिन जैसे मैंने देखा 2-3 दिन में जो मेरे डार्क स्पॉट्स थे, एक्ने के स्पॉट्स थे, वो जिस स्पीड से गायब हो रहे थे तो मैंने ये थोड़ा सा रिस्क ले लिया। सिर्फ और सिर्फ वो बर्निंग सेंसेशन 1 से 2 मिनट तक होती है और वो मुझे अभी तक डेली हो रही है। दूसरी जो प्रॉब्लम है इसकी एप्लीकेशन के साथ वो है कि आप इसे अपने आई एरिया में नहीं लगा सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया है इवन फोरहेड की स्किन जो होती है वो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होती, और सिमिलरली यहाँ की जो चीक की आपकी स्किन होती है ये भी ज्यादा सेंसिटिव नहीं होती है। इवन इस एरिया पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन इस क्रीम से मुझे हुई, और गलती से अगर आप अपनी आई एरिया के आसपास की डेलिकेट स्किन पे इसे लगा लेंगे तो हो सकता है कि आपको इमीडिएटली इसे रिमूव करना पड़े। सिर्फ ये 2 इसके साथ प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। अदरवाइज ये जो क्लेम करता है एक्ने मार्क्स को रिमूव करने वाला, वो ये बहुत ही अच्छे से फुलफिल करता है और आपको इसके रिजल्ट्स भी इमीडिएटली देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको नायसिनेमाइड के साथ साथ विटामिन ई मिल रहा है। नायसिनेमाइड 5% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि नायसिनेमाइड को मैं सीरम से ज्यादा मॉइस्चराइजर की फॉर्म में यूज करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड सीरम की फॉर्म में और नायसिनेमाइड मॉइस्चराइजर की फॉर्म में मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो इसीलिए इसमें जो 5% नायसिनेमाइड मिल रहा है वो एकदम परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है हर एक स्किन टाइप वाले लोगों के लिए। नायसिनेमाइड एक इनक्रेडिबली अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। आप चाहे किसी भी स्किन टाइप वाली कैटेगरी में क्यों नहीं आते हो, आपको ओपन पोर की प्रॉब्लम है नायसिनेमाइड यूज कीजिए, आपको एक्ने स्पॉट्स की प्रॉब्लम है नायसिनेमाइड यूज कीजिए, अगर आपकी स्किन सन एक्सपोजर या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से डैमेज हो गई है तो आप नायसिनेमाइड यूज कीजिए। इवन नायसिनेमाइड फाइन लाइंस एंड रिंकल्स पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी ये पूरी तरीके से सेफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नायसिनेमाइड एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है जो कि इसमें एक परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ डाला गया है, यानी कि 5%। उसके अलावा इसमें विटामिन ई है जो कि एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, जो फ्री रेडिकल डैमेज से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को सूथिंग इफेक्ट देता है, स्किन बैरियर्स को रिपेयर करता है और आपकी स्किन को नरिश करता है। तो ये जो 2 कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है एक मॉइस्चराइजर के लिए। इसके अलावा इसमें 2 केमिकल फिल्टर यूज किए गए हैं जिसकी वजह से आपको इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिल रहा है। यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट की फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट देख सकते हैं। इसमें कोई सस्पिशियस इंग्रेडिएंट नहीं है एक्सेप्ट द सेकंड वन। इसमें जो सेकंड केमिकल फिल्टर यूज किया गया है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है जो कुछ लोगों के लिए एक्ने और ब्रेकआउट का कारण हो सकता है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में
पूरी तरीके से अवॉइड करना रिकमेंडेड है, क्योंकि ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर केमिकल फिल्टर, ये पूरी तरीके से एक सेफ मॉइस्चराइजर है। आज तक हमारी मार्केट में, हमारी इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा टॉप पे रही है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसने कभी मामा अर्थ का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया होगा। तो अगर आप मामा अर्थ की पैकेजिंग के पीछे देखेंगे और द डर्माको की पैकेजिंग के पीछे देखेंगे तो इनकी जो मार्केटिंग वाला जो एड्रेस है वो एकदम सेफ है। ये मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया जब मैंने ये वाला ऑर्डर प्लेस किया था। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इन दोनों ब्रांड्स के साथ वो ये नहीं है कि इनके जो प्रोडक्ट है वो अच्छे नहीं है। देखिए, हर एक ब्रांड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो आपके लिए काम नहीं करते, लेकिन एट द सेम टाइम उसी ब्रांड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो आपके लिए अमेजिंगली वर्क करते हैं, जिनमें से एक ये प्रोडक्ट है और दूसरा है द डर्माको का ये 1% हेलोरॉनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल। ये दो प्रोडक्ट मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अच्छे लगे द डर्माको के। सिमिलरली मामा अर्थ में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया, स्पेशली उनके मॉइस्चराइजर। अभी रिसेंटली मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बताया कि इनका कोई प्रोडक्ट उनके लिए काम नहीं किया, और जब इन्होंने वो वाली बात रिव्यूज में शेयर की तो उन्होंने उस रिव्यू को हटा दिया, इवन फेसबुक पेज से उसे ब्लॉक कर दिया, जीमेल से भी ब्लॉक कर दिया। दैट इज टू मच। तो कोई भी ब्रांड अगर मार्केट में है तो उसे तैयार रहना चाहिए निगेटिव रिव्यूज सुनने के लिए भी, क्योंकि हर एक ब्रांड का हर एक प्रोडक्ट सबके लिए काम नहीं कर सकता। तो ये इनकी मेन प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम मामा अर्थ की भी थी और ये सेम प्रॉब्लम द डर्माको की भी है, क्योंकि मुझे लगता कहीं ना कहीं ये जो दो ब्रांड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। तो इन दोनों ही ब्रांड्स को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इनका जो पॉजिटिव फेस है वो सामने रहे, ये निगेटिव कमेंट्स या फिर निगेटिव रिव्यू सुनने के लिए बिल्कुल किसी तरह भी तैयार नहीं रहती है। सिर्फ यही एक मेन प्रॉब्लम मामा अर्थ के साथ भी थी और ये सेम ही स्ट्रेटेजी द डर्माको के साथ भी यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। मुझे लगता है कि इन्हें ये वाली चीज चेंज करनी होगी, अदरवाइज अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी हो सकता है एक निगेटिव इमेज मार्केट में इनकी तैयार हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये जो रिव्यू वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।